हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक रेलवे सेक्टर के शेयर के बारे में जिसका प्राइस 215 रुपीज़ है और यह शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस कंपनी को आप स्टडी करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से या अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कंपनी का शेयर एकदम ब्रेकआउट पे है, जल्दी ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो दोनों एंगल से आप इस शेयर को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी रेलवे डिपार्टमेंट के लिए वैगन्स बनाने का काम करती है, जो कि वैगन्स तो बनाती ही है, उसके अलावा रेलवे के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने का भी काम करती है, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का भी कंपनी काम करती है, जिसका फ्राइडे को रेट था 215 रुपीज़ एंड 52 बिखाया था 232 रुपीज़। पी है 76 का और ईपीएस है 3 का। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.25। कंपनी पर डेट कम है, ईपीएस ठीक है, पी भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, 48% है। एफआईआई का होल्डिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है, 11% है, और डीआईआई का होल्डिंग भी स्ट्रांग है, 8% है। कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आते हैं। मार्च 23 में कंपनी का प्रॉफिट था 18 करोड़, दिसंबर 23 में था 29 करोड़ और अभी मार्च 24 में आया है 47 करोड़। तो कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आ रहे हैं। यही शेयर मैंने कुछ महीनों पहले आपको रिकमेंड किया था 80-90 रुपीज़ में और अभी देखिए डबल हो चुका है वहाँ से, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है इसमें ऊपर जाने की। कंपनी का नाम है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, TEXMACO, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका आपके ऐप में आपको नाम मिल जाएगा, टेक्स रेल इस नाम से भी ये शेयर मिल जाएगा, जिसके पास ऑर्डर बुक 9000 करोड़ की पेंडिंग है, जबकि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पूरे साल का टर्नओवर था 3500 करोड़। तो 3500 करोड़ के सामने 9000 करोड़ की ऑर्डर पेंडिंग है, करीब करीब 3 साल की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है और ऑर्डर तो कंटिन्यू मिलती ही रहती है, इसीलिए यह शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस कंपनी को स्टडी करके आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के बारे में सोच सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो मैं और मेरी टीम कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, या आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।